अरे मोदी जी, इस बार थोड़ी दिक्कत चल रही है। 2 महीने का राशन एक साथ दे देना, इस महीने का और आने वाले महीने का। आगे वाले महीने में मैं राशन नहीं लूंगा, 2 महीने का इकट्ठा दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। इस राहुल से कह दो, ये तोल रहा है, किसका तोल के दे रहा है ये राशन? योगी जी, इस तरीके से थोड़ी चलता है, जिस तरीके से तुम कह रहे हो। सरकार के कुछ नियम है, कानून है, समझे, उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। हर महीने का राशन हर महीने मिलेगा, एडवांस में तुम्हें थोड़ी मिल जाएगा, समझे। एडवांस में मैं कहाँ लिखूंगा इसमें, ये बताओ। हर महीने का मिलेगा, इस महीने का ले जाओ। ये कोई बात हुई मोदी जी? इतनी सी बात नहीं रखोगे हमारी, इतनी सी बात नहीं मानोगे? अगर घर पे जरूरत है, दिक्कत है थोड़ी सी, थोड़ा राशन हमें एडवांस में नहीं दे सकते तुम? अरे राशन तुलवा दो, कह दो राहुल से ये किसका तोल के दे रहा है, इससे कह दो यही वाला मुझे दे दे। अरे योगी जी, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ थोड़ी चलेगा, समझे। अब सब कुछ देखना पड़ता है, मोदी जी को यहाँ पर बैठे हैं, सबको देखना पड़ता है। पूरे गाँव को राशन बांटना है, पूरे गाँव का राशन इस महीने का आया है। अगर तुम्हें दे दिया तो एक बंदे का कम पड़ जाएगा, एक घर का, फिर वो घर भूखा नहीं रह जाएगा, ये बताओ। तुम्हें एडवांस में दे दिया तो भूखा नहीं रह जाएगा वो घर जिसका कम पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अरे राहुल, मैंने तुमसे बीच में बोलने को कहा, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मेरी और मोदी जी की बात हो रही है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मोदी जी मुझे समझ लेंगे, मुझे दे देंगे एडवांस में, दे दो मोदी जी। अरे योगी जी, राहुल को क्यों डांट रहे हो? वो सही तो कह रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है राहुल, समझे। ये राशन बिल्कुल माप के आता है, एक एक बंदे का आता है, पूरे गांव के लिए आता है। अगर मैं तुम्हें एडवांस में अगले महीने का दे दूंगा तो ये कम नहीं पड़ जाएगा गाँव वालों के लिए? बिल्कुल सही कह रहा है राहुल। चलो मत दो मोदी जी, 2 महीने का इकट्ठा राशन मत दो, समझे, एक ही महीने का दे दो। राहुल तोलो ये गेहूं को, तोलो मेरे जितने भी गेहूं बनने हैं। लेकिन समझ लेना मोदी जी, पिछली बार अखिलेश को तुमने डबल दे दिया था राशन, अगर आगे किसी को डबल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना मोदी जी। अरे योगी जी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, समझे। अखिलेश पिछले महीने का राशन नहीं ले गया था, वो राशन अपना यहीं पे रख गया था, फिर जब वो दूसरे महीने का लेने आया, पिछले महीने का और उस महीने का साथ में ले गया, दो बार का, समझे। तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो पिछले महीने का ले नहीं गया था, इसीलिए उसका दो बार का इकट्ठा हो गया। तुम अपना मन ले जाओ इस महीने, अगले महीने डबल ले लेना। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे राहुल, चारपाई के नीचे चादर में ऐसे कब तक छुप के लेटे रहोगे? ये वैसे राहुल, चारपाई के नीचे लेटने का तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है। अरे योगी जी, क्या बताऊं, इन केजरीवाल का कर्जा निकल जाए तो ये छुपना छुपाना बच जाए। अरे 2 महीने पहले मेरे पास अनाज खत्म हो गया था, जिसे खरीदने के लिए मैंने केजरीवाल जी से 50 रुपए उधार ले लिए थे, और हर दूसरे दिन वो घर लेने के लिए चले आते हैं, इसीलिए मैं चारपाई के नीचे छुपा रहता हूँ। मोदी जी वो आने ही वाले होंगे, बताना मत मैं चारपाई के नीचे हूँ। लेकिन राहुल, तुमसे भी तो 50 रुपए अभी तक नहीं लौटाए जा रहे हैं केजरीवाल जी के। अरे उन बेचारों ने अगर उधार दे दिए तो उनका उधार चुका देते। अरे केजरीवाल जी आ गए, राहुल नीचे चादर में छुप जाओ। अरे मोदी जी, योगी जी, अखिलेश कैसे बैठे हो? राहुल कहाँ पर है? राहुल की तलाश में आया हूँ, ये तो राहुल का घर है, आप लोग कैसे बैठे हो? केजरीवाल जी, हम भी राहुल की तलाश में बैठे हैं, राहुल आई नहीं, पता नहीं कहाँ पर गया है। वैसे मोदी जी, पूरा गांव तो मैं भी तलाश कर आया, गांव में तो कहीं पर है नहीं, वो होना तो घर ही पर चाहिए, है कहाँ पर? अरे मोदी जी, मोदी जी, केजरीवाल को उधरी बातों में लगाए रहना, इधर को बढ़ के ना आ जाए केजरीवाल जी, नहीं तो मुझे देख लेंगे। ऐसी चुपचाप लेटे रहो, बिल्कुल आवाज मत करो राहुल, ऐसी मैं केजरीवाल जी को भगा दूंगा, चुप लेटे रहो बिल्कुल। अरे मोदी जी, ये हल्के हल्के क्या गुनगुना रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं गुनगुना रहा हूँ, ये गाना याद आ गया, वो ही मुँह में गुनगुनाने लगा, बात किससे करूंगा? अरे अखिलेश, तुम कैसे चुप हो? तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? बहुत देर से यूं ही चुप बैठे हो। तुमने कहीं राहुल को देखा है? राहुल कहाँ पर गया है? राहुल के बारे में क्या बताऊँ, अगर मैं कहूंगा कि चारपाई के नीचे लेटा है, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे? जब तुम ऐसी मजाक करोगे तो मैं विश्वास कैसे कर लूंगा, चारपाई के नीचे कैसे लेट सकता है? चलो फिलहाल तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, राहुल जैसी घर आए उससे कह देना कि केजरीवाल जी ने बुलाया है, और हाँ ये भी कहना कि पैसे लेकर आए वो मेरे 50 रुपए। तो केजरीवाल जी, राहुल ने अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं चुकाए जो 50 रुपए उधार लिए थे? कहाँ चुकाए पैसे, इसीलिए तो मुझे बार बार इसके घर आना पड़ता है, मुझे इसके घर आकर पैसे मांगते हुए भी तो शर्म लगती है, लेकिन उसे शर्म नहीं आ रही है कि मेरे पैसे दे दे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे मोदी जी, कार को तेज तेज को ना चलाओ, ममता दीदी का भंडारा खत्म हो जाएगा। जल्दी चलाओ, तेजी तेजी से। कैसे हल्के हल्के चला रहे हो गाड़ी को, तेजी से चलाओ। ज्यादा बातें तो करो मत योगी जी, पहले इस कार की तरफ देखो, कार पर कितने आदमी बैठे हुए हैं। और तुम तेजी से चलाने की बात कर रहे हो, अरे पूरी ओवरलोड कार है, अगर गड्ढे में आगे कार कहीं पलट उलट गई तो कितने लोगों को चोट लगेगी। अरे भाई मोदी जी, मैंने तो पहले ही कहा था अपना दोनों लोग अकेले चल रहे हैं ममता दीदी का भंडारा खाने के लिए, लेकिन तुमने सबको बता दिया, सब लोग अपनी कार पे बैठ गए। अरे भाई उबैसी जी, बैठ गए तो क्या हो गया, मोदी जी की कार है, तुम इतना हक क्यों जता रहे हो ये बताओ। मैं देखो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, बिल्कुल पीछे कार पे बैठा हूँ, गिरने तक का डर है मुझे। पता नहीं इस बार ममता दीदी ने भंडारे में क्या बनवाया होगा, पिछली बार तो आलू की सब्जी बनवाई थी, आलू की सब्जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने इस बार कह दिया है ममता दीदी से कि कटहल की सब्जी बनवाना। अरे भाई लालू जी, तुम ज्यादा बातें मत करो, तुम तो आराम से मेरे और राजनाथ सिंह जी के बीच में फंसे हुए हो, हम देखो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं बिल्कुल किनारे पे, तुम्हें सब्जी की पड़ी है, हम सोच रहे हैं कैसी करके जल्दी पहुँचे भंडारे पर। वैसे सही कह रहे हो अमित शाह जी, मैं भी सोच रहा हूँ जल्द से जल्द भंडारे में पहुँचे, मुँह में पानी आ रहा है सोच सोच के ही। लो भाई, जितनी जल्दी पहुँचने की कर रहे थे भाई केजरीवाल जी, सामने देखो कोई इंस्पेक्टर साहब गाड़ी को रुकवा रहे हैं और अपनी गाड़ी ओवरलोड है। रोको भाई रोको, गाड़ी को रोको रोको। जी सर जी बोलिए, क्या बात है, क्यों गाड़ी को रुकवा रहे हैं आप बताइए। अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है, ये बात बोलते हुए क्यों गाड़ी को रुकवा रहे हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। जी सर जी, हमने ऐसी क्या गलती कर दी बताइए। अरे भाई अपनी कार की तरफ देखो जरा, 9 लोग बैठे हुए हैं आपकी कार में, कार पूरी ओवरलोड है, सिर्फ 4 सवारी के लिए पास है आपकी कार, आपका बहुत लंबा चालान कटेगा। अरे सर जी, हम सब इकट्ठे होकर एक कार पर भंडारा खाने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास दूसरी कार नहीं थी इसीलिए सब इकट्ठे होकर एक ही कार पे जा रहे हैं। अरे भाई साहब, तो कार पे इतने लोग बैठ के जाओगे, चालान तो मैं काटूंगा ही काटूंगा तुम्हारा। अरे भाई साहब, चालान मत काटिए, भूखे पेट हैं हम, खाना खाने के लिए जा रहे हैं भंडारे में, पाप लगेगा आपको, हम भूखे हैं इस टाइम, हमें खाना खाने दीजिए। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।